खबर है मऊगंज जिले से, जहां अवैध बिक्री के लिए लाई गई शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा है। यहां पैकार शराब की खेप को उतार ही रहे थे, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से 131 लीटर शराब के साथ एक बोलेरो वाहन सहित चालक को पकड़ लिया गया है। दरअसल यह कार्रवाई आज खुद मऊगंज के एडिशनल SP ने की है। कार्रवाई के संबंध में अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक शराब की पैकारी के दौरान पुलिस ने न सिर्फ शराब की खेप को पकड़ा है, बल्कि पैकारी में प्रयुक्त वाहन सहित चालक को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर कार्रवाई फिलहाल अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक मऊगंज एडिशनल SP ने आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के साथ शराब की पैकारी करने वालों का पीछा करते हुए पन्नी पथरिया गांव में घेराबंदी कर शराब की खेप को पकड़ा। बताया गया कि जब पैकार शराब की खेप को बिक्री के लिए पन्नी पथरिया गांव में उतार रहे थे, तभी पुलिस पहुंच गई, जहां एक बोलेरो वाहन खड़ा मिला। फिलहाल मौके से 131 लीटर शराब जब्त की गई है और बोलेरो वाहन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। इधर पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि शराब की खेप किस दुकान से लाई गई थी। फिलहाल मऊगंज पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चौकी भैया भैया।